हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं घर के पकवान और आज मैं बनाऊंगी सरसों और पालक का साग जो कि बहुत हेल्दी होता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत इजीली बन भी जाता है, बहुत कम टाइम भी लगता है। ये देखिए, सरसों और पालक को हमने बारीक बारीक काट लिया है और ये आधा किलो सरसों थी, आधा किलो पालक थी, बराबर मात्रा में। आप पालक ज्यादा भी ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए। इसमें तीन लोगों का साग बन करके रेडी होगा और इसमें हमने आधा ग्लास पानी डाला है और उसके बाद इसको हम रख देंगे गैस पे। इसमें चार सीटी आने तक का वेट करेंगे, उसके बाद फिर हम इसको आगे की प्रोसेस आपको बताते हैं। देखिए, अब हमारा साग ही जो मैंने अभी बॉयल करने के लिए रखा था, इसमें चार सीटी आगे 10 मिनट लगा और ये बॉयल हो गया। आपको दिखाती हूँ मैं, देखिए ये बॉयल हो गया। अब इसमें क्या क्या लगेगा, ये लहसुन की चार कलियां हैं, इनको हमने काट लिया बारीक, और ये हरी मिर्ची है चार, मैंने इसको भी काट के बारीक रख लिया है, और ये बेसन है 2 चम्मच, ये बेसन हमने रख लिया है, और ये सरसों का तेल है जो कि तड़का लगाने के काम आएगा, 2 से 3 चम्मच तेल लगेगा। गैस हम जलाते हैं और हाँ, 1 पिंच हींग लगेगी, 1 पिंच लगेगी थोड़ी सी, बिल्कुल। मैंने गैस जला दिया अब ये, और इसको खास करके अगर हम आप लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे तो इस बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका, और लोहे में आयरन भी मिलता है हमें, तो इसलिए अगर हो सके आपके पास अवेलेबल रहे तो इसको लोहे की कढ़ाई में ही बनाना चाहिए। ये अब हम इसमें तेल डाल देते हैं, ये देखिए इतना तेल डाले हैं, 2 से 3 चम्मच तेल डाले हैं। अब ये तेल गरम हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे मेथी 1/2 चम्मच, इसमें हम इतनी मेथी डाल देते हैं 1/2 चम्मच। अब ये मेथी का कलर चेंज होने तक हम वेट करते हैं। मेथी हमारी हो गई है, अब इसमें हम ये लहसुन डाल देते हैं, ये लहसुन डाल दिया हमने, अब ये हरी मिर्च भी डाल दे रहे हैं हम, ये हरी मिर्च डाल दिया हमने, अब ये हरी मिर्च का कलर चेंज हो जाएगा, बस इसमें हम अपना ये साग जो हमने बॉयल करके रखा है इसको डाल देंगे। ये हो गया हमारा, ये जो हमने तड़का लगाया था ये हो गया, अब इसमें हम ये साग डाल दे रहे हैं। देंगे 2 से 3 मिनट के लिए ढक देते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं आपको। अभी देखिए, इसमें हम आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दें, 1/2 चम्मच, 1 चम्मच, इतना 1/2 चम्मच डाल रही हूँ, थोड़ा सा और डालूंगी। नमक डाल दिया हमने और उसके बाद इसमें 1 पिंच हींग डाल देंगे, इतनी सी हींग डाल देंगे। अब इसको 2 मिनट तक और बॉयल होने देते हैं। डालेंगे ऐसे,
ये हमने बेसन डाल दिया। अब इसको खूब अच्छी तरीके से इसको चला चला के बेसन सारे में मिला देंगे और इसको तब तक ऐसे चलाते रहेंगे जब तक कि ये कढ़ाई में चिपकने न लगे सारे। तो बढ़िया इसका इसको भूनेंगे। भूनने पे ही इसमें टेस्ट आता है, स्वाद आता है। ठंडी में इसको आप मक्के की रोटी से खाइए, चावल से खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही हेल्दी होता है। इस तरह से हम इसको 2 से 3 मिनट या 4 मिनट तक इसको खूब बढ़िया से भूनेंगे। देखिए इसका कलर चेंज हो जाएगा। इसको अगेन हम फिर 2 मिनट के लिए ढक देते हैं। इसको थाली हटा के चेक करते हैं। ये देखिए अब हमारा ये चिपकने लगा। देखिए हमारा ये चिपकने लगा। अब ये हमारा अच्छे से फ्राई हो गया। अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया। आप इसको मक्के की रोटी के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ खा सकते हैं, जिससे भी आपको अच्छा लगे आप खा सकते हैं। बहुत ही हेल्दी बहुत टेस्टी, हर प्रकार से आपको फायदा देने वाला है। तो आज के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक